बहरहाल फ्लोरिडा में तो दुर्घटना के चलते विमान नदी में गिर गया, लेकिन एक बार ऐसा भी हो चुका है कि पायलट ने दुर्घटना के बचने के लिए विमान ने नदी के बीचों बीच उतारा गया। अमेरिका के फ्लोरिडा में शुक्रवार को एक अजीब हादसा हुआ। एक बोइंग 737 कमर्शियल जेट विमान लैंडिंग के वक्त रनवे से फिसलकर सेंट जॉन नदी में गिर गया। नेवल एयर स्टेशन जैकसनविल के एक प्रवक्ता ने बताया कि उस वक्त विमान में 136 लोग मौजूद थे। हालांकि इस हादसे में किसी के हाथ हालात को होने की खबर नहीं है। यह कुछ था 15 जनवरी 2019 को यूएस एयरवेज की फ्लाइट 1549 के साथ। ये घटना इतनी चर्चित हुई कि इस पर सली नाम की एक हॉलीवुड फिल्म भी बनी, जिससे ये कारनामा करने वाले पायलट का किरदार निभाया मशहूर एक्टर टॉम जैक्स ने। यूएस एयरवेज की फ्लाइट 1549 15 जनवरी 2019 को 155 यात्रियों को लेकर टेक ऑफ के बाद अभी बस 100 सेकंड हवा में रही थी, तभी उसने दोनों इंजन बंद हो गए। उस वक्त ये एयरबस A320 फ्लाइट हवा में 3000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी और इसके कोई आसार नहीं थे दिख रहे थे कि उसे किसी रनवे से या ज़मीन पर लैंड कराया जा सके। ऐसे में फ्लाइट के इंजन बंद होने के 4 मिनट के अंदर ही इसके पायलट ने फ्लाइट को हडसन नदी के बीचों बीच लैंड करा दिया। ये नई न्यूयॉर्क शहर की बीच में बहती है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस सूझबूझ के चलते फ्लाइट में सवार सारे ही 155 लोगों की जान बचा ली गई। अगले दिन ये एक्सीडेंट केवल सोशल मीडिया पर ही नहीं छाया, बल्कि अखबारों में भी इसे बेगर हेडलाइन बनाया। अखबारों के इस घटना से अद्भुत बताया